हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है मॉर्निंग ब्रीफ के साथ। और फाइनेंशियल मार्केट में बुरी खबर है। अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट ओपन होते ही सर्किट लग गया। 2008 के बाद इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि सर्किट लगा। सर्किट लगने का मतलब है कि मार्केट 10% से ज़्यादा टूटा। निफ्टी स्टार्ट होते ही गिरने लगा और इतनी बुरी तरह से गिरा कि 45 मिनट के लिए मार्केट को रोक दिया गया। अगर हम जो कि कल हम बात कर रहे थे कि जो हमारी रेड स्ट्रीट हो चुकी है, ये इंडिया में नहीं, यूएस मार्केट भी कल रात में जब ओपन हुआ लगभग 2300 पॉइंट नीचे रहा, वहाँ भी पूरे स्टॉक रेड में रहे, उसको रेड स्ट्रीट बोलें ना कि वो उस हिसाब से अगर बात करें तो सारे स्टॉक रेड में रहे। यूएस की अगर हम बात करें तो 1987 के बाद ये पहली बार इस तरह का मैसिव गिरावट देखी गई है। कल फेड ने इसके लिए इमीडिएट एक्शन लेते हुए 1.5 ट्रिलियन का इन्फ्यूजन किया, मार्केट में लिक्विडिटी लाने की कोशिश की और कहा कि ये पैसा लोएस्ट रेट पे दिया जाएगा ताकि मार्केट को सर्वाइव की जाए। बट मार्केट को जिस हिसाब से उम्मीद थी उस हिसाब से यूएस गवर्नमेंट ने एक्ट नहीं किया और मार्केट बहुत बुरी तरह से पिटा रहा है। अगर अभी हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी हमारी बहुत रिकवर हो चुकी है, लेकिन शुरुआती झटके के साथ 32,742 पे अभी चल रहा है जो कि 35 पॉइंट नीचे है। निफ्टी 9523 पॉइंट जो कि 66 पॉइंट नीचे अभी भी चल रहा है। मार्केट ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया लेकिन बहुतों के पैसे डुबाने के बाद। इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात करें तो आरबीआई ने भी इनिशिएटिव ले लिया है, उन्होंने भी लिक्विडिटी मार्केट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ के साथ अगर हम बात करें डॉलर भी 74 रुपये के ऊपर जा चुका है आज भी, और कल भी, आज की अगर बात करें तो ऑयल प्राइस कल भी नीचे ही रहा। इस हिसाब से जो देखा गया कि मार्केट में ये भी एक निगेटिव है। उसके अलावा कल इंडियन गवर्नमेंट ने जो ट्रेवल बैन किया उसके अकॉर्डिंगली जो रिपोर्ट आ रही है वो बताया जा रहा है कि 8500 करोड़ रुपए का नुकसान एविएशन सेक्टर को कल ही हो गया। वो भी एक निगेटिव सेंटीमेंट था जो मार्केट को कहा गया, क्योंकि कोई आपके पास चॉइस नहीं है। अगर कोरोना वायरस की बात करें तो इसके वजह से पूरा मार्केट बहुत पैनिक है। यूरोपियन कंट्री में इसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा है। यूरोप ऑलरेडी एक तरह से देखा जाए तो बहुत ऐसे शहर है जो कि आज की डेट में उनको क्लोज कर दिया गया है और उसको आइसोलेशन में कर दिया गया है। तो इंडिया ने ये जो स्टेप लिया वो एज ए कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको आप मना नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि अगर कोरोना वायरस इंडिया में बढ़ता है तो उससे मार्केट पे सीधा इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन जो मार्केट गिर रहा है उसमें कोरोना वायरस की तो जब से महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन वहाँ पे पीएमआई जो इंडेक्स है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जिसको बोला जाता है, जिसमें लगभग 400 कंपनियां और 19 इंडस्ट्रीज को शामिल किया जाता है, वो लगातार गिरावट पिछले 4 महीने से देखी जा रही है। और वहाँ पे जो गिरावट है उसमें मेजर रीजन माना जा रहा है कि पीएमएक्स इंडेक्स पीछे से जब यूएस चाइना वार चल रहा तो उस समय से निगेटिव में था और कोरोना वायरस के बाद वो और भी नीचे होता गया। पीएमआई होता क्या, पीएमआई में मेजर जो चीज़ें कवर की जाती है, न्यू ऑर्डर, इन्वेंट्री लेवल, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिलीवरी और एम्प्लॉयमेंट, यानी ये फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में एक बहुत ही सटीक आइडिया देता है। तो पीएमआई इंडेक्स भी बहुत लो पे है, वो अपने एवरेज के नीचे चल रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। वो भी कोरोना वायरस की वजह से ही देखा जा रहा है कि पीएमआई इंडेक्स काफ़ी नीचे। तो अभी इसकी रिकवरी के चांसेस थोड़े से टाइम लगेगा मार्केट को, लेकिन अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो उसी हिसाब से फिर बाउंस भी करता है। आप मार्केट से थोड़ी सी दूरी बना के रखें अगर आप रेगुलर ट्रेडर नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई किसी भी तरह का फंड में पैसा लग रहा है रेगुलर बेसिस पे, उसे ना रोके, उसे चलने दे, क्योंकि ये एक अच्छी टाइमिंग भी होती है रेगुलर बायर के लिए अगर आपका सिस्टमैटिक प्लान में कोई इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो पैनिक ना हो, आप अगर रेगुलर इन्वेस्टर नहीं है तो मार्केट से दूरी बना के रखें, लेकिन अगर आपका कोई किसी भी तरह का ट्रेड चल रहा है, जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है मंथली बेसिस पे, उसको आप कंटिन्यू रखें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।